नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शिव मंगल सिंह सुमन की ये कविता अक्सर सुनाते हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। कविता की ये पंक्तियां दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नेता गुनगुना रहे और इन्हीं पंक्तियों से अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद तस्वीर साफ हो चुकी है कि केजरीवाल लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को एक बार फिर सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। बीजेपी नेताओं ने जहां अपनी हार स्वीकार करनी शुरू कर दी है, तो वहीं विरोधी आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई भी दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करती है। सभी कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में अथक परिश्रम किया और दिन रात चुनाव में लगे रहे। सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन और साधुवाद। भाजपा इस जनादेश को स्वीकारते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और प्रदेश के विकास से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी, इस विश्वास के साथ कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली का विकास करेगी। मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बधाई देता हूँ। हरिनगर विधानसभा से चुनाव हार चुके तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। हरिनगर विधानसभा के सभी मतदाताओं का और सभी कार्यकर्ता मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। एक और ट्वीट में केजरीवाल को जीत की बधाई देते हुए बग्गा ने लिखा, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। मॉडल टाउन विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, केजरीवाल और आपको शानदार जीत की बधाई। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का आभार, हम सब ने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा। दिल्ली की जनता का धन्यवाद, संघर्ष जारी रहेगा। पत्रकार बरखा दत्त को जवाब देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा, मैंने जो कहा CAA के विरोधियों के बारे में या शाहीन बाग के बारे में, उस पर आज भी कायम डंके की चोट पर। चुनाव परिणाम आज प्रतिकूल आया है, कल अनुकूल भी आएगा और मेहनत करेंगे, पर इस परिणाम से CAA या शाहीन बाग पर सोच बदल लेंगे, ये गलत फहमी मत पालिए। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, बतौर मुख्यमंत्री दोबारा वापसी करने वाले अरविंद केजरीवाल और सभी जीते हुए विधायकों को बधाई। मैं उन्हें भरोसा देता हूँ कि दिल्ली का विकास और नागरिकों का कल्याण सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल, साल 2013, साल 2015 और अब साल 2020, यानी दिल्ली चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी 60 से भी ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। तो वहीं सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला, यानी 5 साल पहले कांग्रेस जहां थी, 5 साल बाद भी कांग्रेस वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वैसे बीजेपी की इस हार की वजह आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।